Exercise 3.4, question number 6 in part 4. Meena went to bank to withdraw rupees 2000. She asked the cashier to give her rupees 50 and rupees 100 notes only. Meena bought 25 notes in all. Find how many notes of rupees 50 and rupees 100 she received. Meena bank se paise nikalne jaati hai aur wo 2000 rupees nikal ke laati hai. Wo cashier ko bolti hai ki mujhe sirf 50 aur 100 rupees ke notes chahiye. और कैशियर उसे टोटल 25 नोट्स देता है, तो पूछता है कि 50 रुपए के नोट कितने हैं और 100 रुपए के नोट कितने हैं ये बताइए। ये काम करने से पहले हम थोड़ा सिंपल सा कार्य करते हैं। हम पैसे काउंट कैसे करते हैं? आप पिगी बैंक में पैसे इकट्ठे करते होंगे, गुल्लक बोलते हैं, या पापा सैलरी लेकर आते हैं, घर पर आपको पैसे मिल जाते हैं, कैसे काउंट करते हैं? पैसे उठाए, जैसे 50 रुपए के नोट थे, काउंट करना स्टार्ट किया, 1 2 3 4 5 6 7 8, हम काउंट करते जाते हैं। तो कैसे काउंट करते हैं? रुपीज 50 के 20 नोट्स मिले तो हमने वहां पे एस्टिमेशन लगाया कि हमारे पास रुपीज हो गए हैं 1000, उनको मल्टीप्लाई किया। फिर 100 रुपीज के नोट का बंडल उठाया, वो काउंट करना स्टार्ट किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो जो रुपीज 100 है उसके आपको मिल गए 10 नोट्स। तो रुपीज कितने हो गए? वो 1000। दोनों काउंट किए, फिर आपने कहा 1000 रुपीज ये हैं और आपने दोनों 1000 को प्लस किया तो आपके रुपीज हो गए 2000, ये बन गए आपके टोटल रुपीज। या फिर मैं इस 1000 की जगह मैं कुछ ऐसे भी लिख सकता हूं कि 50 × 20 + 100 × 10। फिलहाल हमें नंबर्स नहीं पता, तो हमें नंबर्स नहीं पता तो नंबर को एज्यूम कर लेंगे कि 50 रुपीज के तो हमारे पास एक्स नोट है और 100 रुपीज के हमारे पास वाई नोट। और वो जो टोटल नोट्स है 25, हमारे पास तो टोटल नोट 30 हो गए। हमें ऐसी कंडीशन बनानी कि कंडीशन भी सेटिस्फाई हो जाए और टोटल रुपीस भी हमारे पास 2000 हो। तो सबसे पहले एज्यूम करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट फोर्थ, लेट नंबर ऑफ नोट्स ऑफ रुपीस 50। कैशियर ने 50 रुपीज के एक्स नोट दिए एंड 100 रुपीज के वाई नोट दिए। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि वो टोटल 2000 रुपीज विदड्रॉ करके लाती है, तो 50 जो हमारे रुपीज की वैल्यू है उसको उसके नंबर से मल्टीप्लाई किया तो ये पता चल जाएगा कि 50 रुपए के नोट का जो टोटल मनी में वैल्यू है वो कितनी है। ऐसे ही यहां पर लिखना था 100, और जो 100 रुपीज के नोट है उसको उसके नंबर से मल्टीप्लाई किया तो ये पता चल जाएगा कि जो 100 रुपीज वाले नोट का बंडल है उसमें कितने रुपीज है, और दोनों को प्लस कर दें तो जो टोटल रुपीज दिए गए हैं वो दिए गए हैं हमें 2000। ये हमारी कंडीशन नंबर फर्स्ट। सेकेंड, वो कहता है कि जो टोटल नोट दिए कैशियर ने वो 25 है, मीन्स एक्स प्लस वाई is equal to 25। ये हमारी कंडीशन नंबर सेकंड। अब क्या हो रहा है कि मुझे साफ दिखाई दे रहा है फर्स्ट इक्वेशन 50 से डिवाइड हो रही है, कर दीजिए। अगर आप नहीं करते तो गलत नहीं है, फिर आपको सेकंड इक्वेशन को 50 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 50 बन जा 50, 52 जा 100, 54 जा 200 और 0, ये आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब दोनों में x इक्वल हो गया, दोनों इक्वेशंस को लिखिए, x plus 2y is equal to 40, ये हमारी फर्स्ट कंडीशन, और x plus y is equal to 25, ये हमारी सेकंड कंडीशन। अब x जो है उसमें दोनों का साइन सेम है, हमें साइन डिफरेंट चाहिए। साइन चेंज करने के लिए स्टेप होता है सब्ट्रैक्ट करना इक्वेशन को, तो इन इक्वेशंस को माइनस कर दिया जाएगा बाय सब्ट्रैक्टिंग, तो सेकंड जो भी इक्वेशन है उसके साइन चेंज। साइन चेंज करने से x से x कैंसिल हो जाएगा क्योंकि प्लस x माइनस x, तो 2y माइनस y, y 40 माइनस 25 50, तो y की वैल्यू 15 आ गई। अब पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकंड, फर्स्ट में भी पुट कर सकते हैं आप, x प्लस y इज इक्वल टू 25, x plus 15 is equal to 25, x is equal to 25 minus 15, x is equal to 10।
एक्स की वैल्यू भी आ गई और वाई की वैल्यू भी आ गई। क्वेश्चन यहां पर खत्म नहीं करना, क्वेश्चन है फाइंड द नंबर ऑफ नोट्स ऑफ रुपीज 50 एंड 100। तो नंबर ऑफ नोट्स ऑफ रुपीज 50 एंड नंबर ऑफ नोट्स ऑफ रुपीज 100। तो 50 रुपीज के नोट हमने एक्स एज्यूम किए थे और 100 रुपीज के नोट हमने वाई। तो जो 50 रुपीज के नोट है वे 10 और जो 100 रुपीज के नोट है वे 15। तो हमारा आंसर, अब आप मैच कीजिए इक्वेशन को कि जो टोटल नोट है वे 25 है, तो 10 प्लस 15 25 25 और टोटल रुपीज 2000, 50 इंटू 10 500 एंड 100 इंटू 15 1500 और टोटल अमाउंट हो गया हमारे पास 2000। तो ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो जाती है कि हमारे पास जो टोटल रुपीज है वो 2000 है और जो टोटल नंबर ऑफ नोट्स हैं वे रुपीज 25।